नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व में सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के संदर्भ में दो वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, जिससे तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक जानकारी आपके लिए जो है दिया गया है। तो अब हम आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि उस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं या जो बन सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे और आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए ऐसा मैटर उपलब्ध करवाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप हल कर सकें, सही कर सकें। तो आइए एक एक करके इन सवालों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। तो पंचायतों के उपबंध करने के लिए अधिकृत जो है वो राज्य विधान मंडल है, क्योंकि संविधान के द्वारा 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है और राज्य विधान मंडल से अपेक्षा की गई वो कोई कानून बना करके अपने राज्यों में लागू करें। PCS 2016 में यह सवाल पूछा भी जा चुका। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत के विषय में क्या जो है सही नहीं है, क्या यहाँ पर पूछा क्या सही नहीं है, हम लोग गलती में क्या करते हैं, क्या सही है वो उत्तर ले के देते। तो ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, ये सही है। पंचायतों में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाएंगे, ये गलत है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ये गलत है। ग्राम पंचायत में 10 हो सकते हैं, ये सही है, क्योंकि 10 से 20 के बीच में इनकी सदस्य संख्या होती है। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, सही है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग और मतदान ले सकते हैं, ये गलत है। तो हमें ये देखना है कि जो नहीं है यानी कि जो गलत है वही इसका सही उत्तर होगा, कि 2, 3 और 6। तो 2, 3 और 6 विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या भी कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ पर 10 कम से कम और अधिक 20 वार्डों में बटा होता, प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुने जाते हैं और पूरे ग्राम सभा के लिए एक सरपंच जिसे मुखिया होता है कहा जाता है। तो यह इसकी जो है व्याख्या है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। निर्णय पंचायत चुनाव का जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, जबकि पंचायतों को संचालित करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची के लिए है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, 3 सूचियां जो है बनाई गई हैं और साथ में जो है राज्य सूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज को जो है सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव 5 वर्ष के बाद जो है कराए जाते हैं और उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है 6 माह के अंतर्गत इसको चुनाव करवाना आवश्यक होता है। यदि वर्तमान समय के हम पंचायत चुनाव जो कि यूपी में भी हाल में ही संपन्न हुआ है इसके बारे में देखें, तो COVID-19 के कारण इस पर टालने के लिए लगातार बात हो रही थी, लेकिन पंचायतों का कार्यकाल जो कि 25 दिसंबर था और इसे अधिकतम 6 माह यानी कि 25 जून तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में सरकार के पास एक संवैधानिक बाध्यता थी कि वह चुनाव को 25 जून के पहले पहले संपन्न कराए। यद्यपि COVID-19 एक महामारी थी जिसमें जान माल को काफ़ी क्षति हो रही थी और कोई भी संवैधानिक प्रावधान मानव कल्याण से अधिक नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता थी, यद्यपि सरकार इस स्थिति में चुनाव कराने का निर्णय लिया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपन्न करता, सही है। 74वां संविधान संशोधन, यही गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है और जो गलत है वही नहीं के लिए जो है सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है राज्यपाल को जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ, भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे
और उन्हीं के कार्यकाल में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 92वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है पारित किया गया था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया है? 1993 ईस्वी में। इसके संदर्भ में एक और व्याख्या समझ लेना आवश्यक है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 92 से संबंधित है, लेकिन इसे लागू जो है 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। तो ऐसी स्थिति में जब ये पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है तो 92 जब लागू किया गया तो 93 होगा। अगला सवाल है, पंचायतों के प्रधान प्रमुख अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी वर्ग की महिलाएं सम्मिलित हैं आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया। निश्चित तौर पर ये परिवर्तन आया है, वाकई सही है। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। आरक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मांग नहीं हो रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है महिलाएं सम्मिलित थी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण की बात नहीं थी, तो ये विकल्प यहाँ पर गलत होगा, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है? ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण रोकने की सख्त रखता है और वनोपज लघु वनोपज पर इसका स्वामित्व होता है। ये दोनों सही है। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भी किसी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्व लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा रिकमेंडेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो एक और दो यानी कि पहला वाक्य और दूसरा वाक्य सही है, यद्यपि इसमें विकल्प को सम्मिलित नहीं किया गया है लेकिन ये जानकारी के लिए आवश्यक है कि पहला और दूसरा वाक्य सही और तीसरा वाक्य गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है, स्थानीय स्तर पर सुशासन की सही बात है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये दोनों ही अस्पष्ट जो है व्यवस्थाएँ हैं। अब इसमें दो और विकल्प दिया हुआ है, पद सोपानिक संरचना और जय संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की। इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं जिसमें पद सोपानिक संरचना तो दिखाई पड़ता है क्योंकि जिला स्तर ग्राम स्तर और मध्यवर्ती स्तर पर है, लेकिन एक दो एक तीन और चार का कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। और दूसरा विकल्प जो है वो जय संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की है। तो जय संबंधों का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? जैसे कहने का मतलब ये है कि पुरुषों के लिए तो आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुसूचित जातियों के जनजातियों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये विकल्प यहाँ पर बन सकता है और विकल्प यहाँ पर सी भी सही हो सकता है, और अगर एक और तीन को देखा जाए तो विकल्प बी भी यहाँ पर सही हो सकता है। यद्यपि ऐसे सवाल विवाद को उत्पन्न करते हैं और इस पर जो है सवालिया निशान लगाया जाता है, लेकिन यदि यहाँ पर एक तीन और चार का कोई ऑप्शन होता तो वो विकल्प सबसे उत्तम होता, इसलिए आपको जानकारी के लिए आवश्यक है कि ये विकल्प अगर सभी का होता तो भी सही हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई विकल्प इसने ना देकर के प्रश्न को विवादित किया हुआ है। तो इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्तर पर सुशासन, ये विकल्प सबसे उत्तम है, और जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन भी इसमें लागू होता है। तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकल्पों को समेटते हुए विकल्प संख्या सी को सही उत्तर के रूप में लगाएंगे। अगला है कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। 243 के अंतर्गत ही जो है इसको परिभाषित किया गया है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में जितने भी लोग पंजीकृत होंगे उनसे मिलकर के ग्राम सभा का जो गठन होता है। तो ग्राम सभा को हमने पूर्व में भी लेक्चर में जो है इसको स्पष्ट किया हुआ था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? हमेशा यहाँ पर ये ध्यान रखना कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल गलत होता है। तो इसमें पूछा है कि ग्राम सभा की बैठक में 1/10 आवश्यक है, सही है। महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, सही है। गणपूर्ति के लिए पंच सरपंच इसकी व्यवस्था करते हैं, सही है। गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित की जाती है, सही है। और स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक होती है, सही है। अगला है कि गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, गलत है। अगला है कि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर लेखा संप्रेक्षा यानी कि ऑडिट के बारे में है, ये भी गलत है। लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो भी सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। और इस तरीके से 6
सात और आठ, इसमें कोई अगर विकल्प यह बनता है 6, 7, 8, यानी कि विकल्प संख्या ई इसका सही उत्तर होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ पीसीएस में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ओएमआर सीट में ई का कोई ऑप्शन अभी तक खैर नहीं बनाया गया है, आने वाले समय में हो सकता है बनाया भी जा सकता है। विभिन्न बैंकों में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में सवाल पूछा गया और ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों की बात की, तो अनुसूचित क्षेत्रों में उपस्थित अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुना गया हो, ऐसा सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुना गया हो वही उसकी जो अध्यक्षता करता है, विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना होता है, विकास में जनभागीदारी सही है, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, और वित्तीय संग्रह फाइनेंशियल, ये नहीं होगा। तो विकल्प संख्या एक और तीन यहाँ पर सी जो है सबसे सही है, क्योंकि राजनीतिक जवाबदेही और वित्तीय संग्रहण इत्यादि का मामला नहीं है। यहाँ पर एक और तीन इसका जो है सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन को निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां जो है आवंटित करेगा जिससे वह एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में काम करने में सक्षम हो सकें, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना कर सकें, विकास एवं प्रशासन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को तृणमूल स्तर पर स्थापित करने में सफल हो सके। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंचायती राज को के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन, यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्देश दिया गया है, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सुशासन की इकाई के रूप में इसे संगठित किया गया है। अगर 73वां संविधान संशोधन नियम विकल्प में न होता तो हम इस प्रश्न का सही उत्तर सी को लगाते। अगला सवाल है कि मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने का प्रयास किया गया है। बेसिकली मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी दी गई है, तो विकल्प संख्या ए यहाँ पे 43 अनुच्छेद को लागू किया गया जिसमें कृषि उद्योग या अन्य कर्मकारियों को जो है कर्मकारों यानी कि जो भी श्रमिक हैं उनको जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक मजदूरी देने की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। इसमें सरकार की तीन श्रेणियाँ होती हैं। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य कुछ सांसद होते हैं, तो सही विकल्प सभी है, तो इसमें सभी विकल्प को हम जो है सही लगा देंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1992 में इस सवाल को जो है पूछा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या जो है सही है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, सही बात है। पंचायत या ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1943, ये नहीं, ये जो है 24 अप्रैल को जो लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, अर्थात जो यहाँ पर सही नहीं है वही इसका सही विकल्प होगा, अर्थात बी इसका उत्तर होगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक, लोगों को विकास प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, क्योंकि यहाँ पर शासन में लोग जागरूक हो सकें, प्रशासन में स्वयं भागीदार हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सफलतापूर्वक कार्य
हेतु पंचायती राज पूरे सहयोग की जरूरत है, डेफिनेटली स्थानीय जनता की जरूरत है। इसके संदर्भ में एक कहानी मैं बताना चाहूँगा कि 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो प्रारंभ किया गया था वो स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता और भागीदारी और सहयोग के अभाव के कारण ही असफल हुआ था। इसीलिए 1957, 1967, 1986 इत्यादि में जो है विभिन्न समितियाँ बनी जो कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए अध्ययन करने और अपने रिकमेंडेशन देने की बात कही। तो स्थानीय स्तर पर जनता की सबसे ज़्यादा भागीदारी की जरूरत होती है कि सही कैंडिडेट का चुनाव करे, जनता जागरूक हो, शिक्षित हो, ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करे जो ग्राम का जो है विकास कर सके और वो किसी भी जाति धर्म भाषा क्षेत्र रिश्ता परिवार इनको ध्यान में रखते हुए वोटिंग ना करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी बात कही गई है। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास सभी है, सभी उसी के भाव को व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर सूचियाँ बनाई गई हैं और उनका जो है क्या रिकमेंडेशन रहा है उसके संदर्भ में, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, यमल सिंह भी संवैधानिक व्यवस्था स्थानीय सुशासन पद्धति, जी बी राव प्रतिनिधि सुधार किया गया है। तो इसमें 2143 2143 विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम स्थापित किया। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। तो डेफिनेटली इसका सही उत्तर विकल्प संख्या सी होगा। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो कि पंचायती राज व्यवस्था के एक ढांचे को प्रस्तुत किया, उसकी एक फॉर्मेट बनाया और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में उसे स्थापित किया गया। तो इस तरीके से शिल्पी बी आर मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। सी इसका जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और यानी कि दूसरी बार कहाँ पे, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। ये व्यवस्था 1959 के साथ में थी, अभी ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं हुआ है, अभी पूर्व की ही बात की जा रही है। संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में सबसे पहले जब लागू किया गया तो वह मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, जिससे संबंधित सवाल को हम आगे हल करने का भी प्रयास करेंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि अभी हम लोगों ने व्याख्या भी किया, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, विकल्प संख्या सी यहां पर सही उत्तर होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक सिफारिशें थी जो है जिला ब्लॉक ग्राम की पंचायती राज व्यवस्थाओं का संगठन होना, विकल्प चूंकि एक ही है तो डेफिनेटली यही उत्तर इसका सही होगा, जो कि त्रिस्तरीय ढांचा भी प्रस्तुत किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1994 ईस्वी में इस क्वेश्चन को पूछा भी है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो डेफिनेटली अशोक मेहता 1957 में, बलवंत राय मेहता 1957 में, अशोक मेहता 1967 में, एम एल सिंह भी 1986 ईस्वी में, पी एन बी राव समिति नहीं थी, अर्थात विकल्प संख्या ए का जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं यहाँ पे पूछा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों का कार्यकाल, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और मेंस में पूछा जाता है, आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ पर लोअर मेंस 2015 में भी ये सवाल पूछा गया है, कालक्रम देखना है। तो 1957 ईस्वी में जो है, 1957 में अगर देखा जाए तो बलवंत राय मेहता बनाया गया, अशोक मेहता जो है ये 1977 में जो है बनाया गया, इसी तरीके से एम एल सिंह भी जो है समिति है ये 1986 ईस्वी में बनाई गई और जी बी के राव समिति जो है ये 1985 में जो है बनाई गई। तो इस तरीके से हमारा जो है कालक्रम अगर देखा जाए तो 3412 विकल्प संख्या सी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अगर डेवलप करने का प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मेंस में भी लिखने में आपके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल होगा और उसके आधार पर आपकी लेखनी कभी रुकेगी नहीं, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, आप आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में उत्तर लिखेंगे। तो इसके लिए पूर्व के दोनों ही वीडियो लेक्चर को देखना बहुत ही जरूरी, जिससे आपके
अंदर एक कॉन्सेप्ट को पैदा करने का प्रयास किया गया। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ और पाठ्यक्रमों को भी हम वीडियो लेक्चर में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बेसिक स्तर पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जिसे हमने शामिल किया, और आपसे अपेक्षा है कि आप इस चीज़ को पढ़ें और अपनी तैयारी जारी रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? अशोक मेहता द्विस्तरीय समिति, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति, विकल्प संख्या बी यहां पर सही उत्तर है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से 1986 ईस्वी में गठित एम एल सिंघवी समिति ने जो किया था, जिसे संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, क्योंकि वह एक बाध्यकारी व्यवस्था होती जिससे कि पंचायतों में चुनाव, उनके लिए आय का साधन, विकास के खाका बनाए जा सकते, जो कि आज के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। इनके द्वारा नलकूप, सड़कें और इसी तरीके से नाली और लाइट इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। सौंदर्य प्रसाधन के कार्य भी बनाए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, तालाबों के सौंदर्यीकरण इत्यादि कार्य किया जा रहा है। अगले इस क्वेश्चन की संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा मिला गया तो 73वां संविधान संशोधन, कोई भी बात नहीं। अगले क्वेश्चन, 73वां संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। 11वीं अनुसूची और 9वां भाग है, ये ध्यान में रखना जो है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 73वें संविधान के जो है 73वें संशोधन में प्रावधान के पंचायतों के नियमित चुनाव के लिए व्यवस्था, ठीक, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ठीक, राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायतों को फंड की व्यवस्था, सही, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों में पंचायतों की शक्ति का हस्तांतरण, सही, तो विकल्प संख्या इसमें डी सही है, कोई भी बात की स्थिति इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है यहाँ पे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 16 अनुच्छेद, ये कि हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था तो बताए थे कि 11वीं अनुसूची में 16 अनुच्छेद और 29 विषय, और वहाँ पर हम लोगों ने एक 18 की जो है रेखा खींचा था। इसमें अनुच्छेद तो 18 से कम है और विषय ज़्यादा हैं, और जब हम नगर पालिका के संदर्भ में भी देखेंगे तो वहाँ दोनों में 18-18 है, तो इसलिए 18 को एक लाइन बनाया गया है, याद करने के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग है ही, जिला निर्वाचन समिति है, राज्य वित्त आयोग भी संबंधित है, संपत्ति कर बोर्ड नहीं है, अर्थात 1, 2, 3 विकल्प संख्या बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। राज्य पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची का तैयार करता है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन करता सही है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। संदिग्ध स्थिति, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए, तो ये विकल्प गलत है यहाँ पे, और अन्य कार्यों के लिए भी यह कोई कार्य नहीं करता है। विकल्प संख्या 1 और 2 इसका सही उत्तर है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए कोई निर्वाचन नहीं करता है। पंचायत और नगर पालिकाओं को ही स्थानीय सुशासन के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसके लिए संवैधानिक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन 1992 का लक्ष्य देश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है, किन चीजों के लिए है? 73वां जिला योजना समिति ये नहीं है, ये 74वें संविधान संशोधन में है। राज्य निर्वाचन आयोग सही है, वित्त आयोग सही है, यानी कि 2 और 3 विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? जिला योजन समिति 74वें संविधान संशोधन के अंदर के, इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं, तो इसमें सभी के लिए जो प्रावधान जो किया गया है 1, 2, 3 सभी शामिल होंगे। और 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य, जैसा कि अभी पूर्व में हमने बताया कि इसको लागू करने के बाद मध्य प्रदेश के द्वारा इसे सबसे पहली बार लागू किया गया। विकल्प संख्या ए इसका सही और एग्जैक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का
पंचायतों पर प्रशासनिक नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनाव की विधियों में परिवर्तन का। यद्यपि इसमें सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन विकल्प एक ही चयन करना है जो कि बहुत ही विधिक और संवैधानिक होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव का आदेशात्मक एवं लोकसभा में विधानसभा चुनाव के इसे जो है समकक्ष बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो डी इसका जो सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं, कृषि नहीं, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद को रखने के लिए। विकल्प संख्या यही सही है क्योंकि इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है कि संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। संविधान के 73वें संशोधन में कौन सा प्रस्तावित नहीं किया था। सभी ग्रामीण निकायों में, सभी निर्वाचित ग्रामीण निकायों में स्तरों पर 30% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित, 1/3 कहा गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए अपने अपने आयोग गठित होंगे, तो ये सही है। और यहाँ पर हमें पूछा है कि क्या सही नहीं है। पंचायती राज निर्वाचनकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराया जाएगा जिनकी 2 से अधिक संस्थाएं हैं, ये भी नहीं है। पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार के द्वारा अधिक्रमण या विघटन किया जाता है तो 6 माह के अंतर, ये सही है। तो यहाँ पर ए और सी दो विकल्प गलत प्रतीत होते हैं क्योंकि दोनों में ये व्यवस्था है। जैसे संतान की जो व्यवस्था है, कुछ राज्यों ने ऐसा नियम बनाया भी है कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन की यहाँ बात की जा रही है, राज्यों के स्तर पर नहीं। तो यहाँ पर राज्यों के लिए जो है, यहाँ पर पंचायतों के लिए कोई 2 संतान के लिए अनिवार्य शर्त नहीं था। और पहला है यहाँ पे 1/3 होना चाहिए, यानी 33%, लेकिन 30% है, तो 30% को भी कई बार जो है वो 1/3 के आसपास माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो उपयुक्त विकल्प हो सकता है वो सी होगा। यदि ये यहाँ पे कूट होता तो ए और सी दोनों ही जो है वाक्य यहाँ पे गलत होते। तो जानकारी होना चाहिए, बाकी प्रश्न के अनुसार जैसा भी हो। तो यहाँ पे IAS 1997 में यह सवाल पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर नए प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है। अन्य क्षेत्रों के साथ ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा, बानकी के क्षेत्रों में अनेक सम्मिलित दायित्व, ठीक। सभी पदों के लिए रिक्त होने पर निर्वाचनों का ज्ञापन किया जाना, ठीक। पंचायतों में 1/3 पदों पर महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व, पंचायतों के सदस्यों के लिए निर्मित पारिश्रमिक ताकि उनकी जो समयबंदी सुनिश्चित हो सके। पंचायत के सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी जो है पारिश्रमिक इत्यादि देने की व्यवस्था नहीं कही गई है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विकल्प संख्या डी ही सही उत्तर होगा, क्योंकि जो गलत होगा वही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है नहीं पूछा गया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, पंचायती राज संस्थाओं में ही आरक्षित है, उसी चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हालांकि परीक्षा में ऐसे चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में देने की आवश्यकता। झारखंड PCS 2013 में यह सवाल पूछा भी जा चुका है। इसमें कहा गया कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3, जैसा कि अभी पूर्व वाले सवाल में हम लोगों ने देखा 30% लिखा था, लेकिन 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी, तो प्रतिनिधित्व की बात जो है इसमें घा में किया गया है, 243 घा के अंतर्गत, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों का 1/3 यहाँ पर है, महिलाओं की आबादी के अनुपात में नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा, जब SC ST के लिए आरक्षण की बात की जाती है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में है, लेकिन महिलाओं को कुल स्थानों का 1/3, क्योंकि कुल स्थानों का 1/3 होगा। जैसे महिलाओं के लिए इसलिए 1/3 हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर आबादी के अनुसार भी जो सीटें SC ST के लिए निर्धारित की गई हैं वहाँ पे भी उनको 1/3 हो जाएगा, और जो शेष सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए बचेंगी उनमें भी 1/3 हो जाएंगे, तो ओवरऑल सभी सीटों का 1/3 उनका आरक्षण हो ही जाएगा। तो गणितीय जो है आंकड़ा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय जो व्यवस्था है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय जो है संगठन है।
ये चार स्तरीय तो है नहीं, तो विकल्प संख्या सी इसमें जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? डेफिनेटली पंचायती राज व्यवस्था, इसमें कोई भी बात नहीं। हमारे संविधान के भाग में 300 सोपानों की पंचायतों की व्यवस्था भाग 9 में किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखना होगा कि कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर अनुसूची दिया होता तो यहाँ पर अनुसूची जो है 11 हो जाता, लेकिन ये भाग है इसलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत होगा। भाग 9 है और अनुसूची 11 है। इसी तरीके से नगर पालिकाओं के लिए भाग 9 का है, अनुसूची 12 है। ये चीज़ ध्यान रखना है, चैतन्यता के साथ पेपर हल करना है, सवाल को पूरा पढ़ना है और उसके प्रत्येक विकल्प को ध्यान में रखना है, जिससे सवाल को किसी भी स्थिति में आता हुआ सवाल गलत ना होने पाए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें जो है संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत तो है ही, क्षेत्र पंचायत तो है ही, ग्राम पंचायत तो है ही, नगर पंचायत नहीं है, 74वें में है, तो 1, 2, 3 इसमें विकल्प संख्या 20 का सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। बेसिकली राज्य सरकार समय समय पर इसके लिए कानून बनाता है और राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है। चुनाव का संचालन राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो किया जाता है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु। इसके लिए समस्त जो है शर्तें और अर्हताएँ वही निर्धारित की गई हैं, कंडीशंस एंड क्वालिफिकेशन जो विधानसभा सदस्यों के लिए है। केवल उम्र वहाँ पे 25 साल है और यहाँ पर 21 साल है। हमेशा आपके अध्ययन का तरीका और अप्रोच कंपेरेटिव होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने में आसानी हो। तो इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है, ये तो गलत है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य पहला हो गया, ये तो जो है अवशिष्ट समय के लिए ही जारी होगी, ये सही होता है, क्योंकि अगर पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाए और वहाँ पर मध्यावधि किस्म की जो अगर चुनाव होती है तो वहाँ पर जो है वो अवशिष्ट समय के लिए जारी होगा, अर्थात विकल्प बी यानी कि केवल उत्तर वाक्य 2 सही होगा। अगला सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से IAS 2000 में पूछा गया है। IAS अपनी परीक्षाओं में अलग तरीके के सवाल पूछता ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉलेज का विद्यार्थी जो कि नगर परिषद जाने का इच्छुक है, नामांकन की वैधता के लिए उसे क्या शर्तें पूरी करनी होगी? कॉलेज के प्रचार से अनुमति, निर्वाचन आयोग की कोई कॉन्सेप्ट नहीं, राजनीतिक दल का जो सदस्य हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, अर्थात विकल्प संख्या सी यहाँ पर उत्तर सही उत्तर इसका जो है होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार में इस तरीके का जो प्रावधान किया गया है कि वहाँ पर जो 3 माह के लिए जो है सजा या जो है 1,000 रुपये का जो है जुर्माना या दोनों जो है किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो बिहार के अंतर्गत जो है की गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि स्थानीय सुशासन के लिए कौन सी विशेषता नहीं है? स्थानीय सुशासन की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, वैधानिक स्थिति है, भागीदारी है, केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो नहीं है वही इसका सही उत्तर होगा। अगले में राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अंतर्गत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन, इसके संदर्भ में एक ट्रिक मैं बताना चाहूँगा कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसे जो है ताकि उसका आय जो है बढ़ सके, और आय यानी कि इनकम से होता है और इनकम की पहले स्पेलिंग आई होता है, इसलिए यहाँ पर 243 आई के अनुसार इसकी जो व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा ट्रिक है, इसको ध्यान में रखेंगे तो याद हो जाएगा, याद करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि फैक्ट को याद करने में कठिनाई होती है, इसलिए फैक्ट के लिए यहाँ ट्रिक बनाया गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। निम्नलिखित में से जो है राज्य और स्थानीय सुशासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो राज्य वित्त आयोग इसमें है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो इसमें नगर पालिका का है तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें किसी तरीके की कोई भी बात ही जो है नहीं है, तो विकल्प संख्या जो है यहाँ पर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे
कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, डेफिनेटली 5 वर्ष इसका जो है मेयर का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर है। तो बड़े बड़े जो नगर निगम है वहाँ का जो अध्यक्ष होता है मेयर या महापौर कहलाता है, इसी तरीके नगर पालिकाओं में चेयरमैन और नगर पंचायत अध्यक्ष में जो है उसको नगर पंचायत अध्यक्ष के नाम से जो है जाना जाता है नगर पंचायतों में। तो ये एक ढांचा है जो 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या अधिकतम जो है 21 हो सकती है, तो विकल्प संख्या ए इसका जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? आर्थिक विधि निर्माण जो है सभी हैं, नागरिक शिकायतों के संदर्भ में इसमें कोई समस्या नहीं है, ISP 2001 में फैक्चुअल क्वेश्चन रखने वाला है, ध्यान देने वाले है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसे स्वतंत्र कोटि नहीं है, डेफिनेटली है। और जो यहाँ पे सही नहीं है और ये भी जो है गलत है, तो जो गलत होगा यही सही उत्तर होगा। चूँकि कूट होता तो हम और को देखते हैं, लेकिन चूँकि कूट नहीं और पहले ही उत्तर में हम अस्पष्ट हैं, तो पूरी तरीके से हम विकल्प ए को यहाँ पे सही लगाएंगे। लेकिन अगर चाहें तो हम देख सकते हैं कि स्थानीय निकाय में स्त्रियों के लिए आस्थानिक तिहाई आरक्षित है सही है, वित्त आयोग का गठन है सही है, राज्य निर्वाचन आयोग का सही है, तो डेफिनेटली एक उत्तर होगा उसका। अगले सवाल की तरफ हम लोग जो बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया है इसके संदर्भ में, अभी ने हम लोगों ने इसके संदर्भ में देखा कि 9 जो है वो पंचायतों से है और 9A ये जो है नगर पालिकाओं से, अनुसूचियों में 11 पंचायतों से 12 नगर पालिकाओं से है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आवश्यक है। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। इसके संदर्भ में यहाँ पर एक व्याख्या भी है, उसको हम देख लेते हैं। ऊपर भाग स्तर पर जिला परिषद असम में जो किया गया है, प्रजामंडल जो है आंध्र प्रदेश में है, जनजातीय परिषद मेघालय में है और पंचायतों का अभाव जो है मिजोरम में है। तो इस तरीके से इसके आधार पर हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, किस तरीके का कोई विवाद इसमें नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंता खेल खत्म हो गया है। अब इसको देखना कि क्यों खत्म हो गया, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर पुनरुत्थान कर दिया गया, तो बेसिकली सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर हम ए को सही उत्तर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संदर्भ में संघीय वित्त आयोग की कोई नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा संघ वित्त आयोग के द्वारा जो है रिकमेंडेशन दिया जाता है। केलकर समिति या इसी तरीके जो भी समितियाँ पहले पूर्व में बनती थी वो रिकमेंडेशन देती थी, तो इसमें भूमिका नहीं है, वाक्य गलत है। अगला है कि संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ, ये तो सही है, तो ए कथन गलत है और आर सही है, तो विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि जिला उपभोक्ता विवाद, यद्यपि ये विशिष्ट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पंचायतों में रख लिया है, तो जानकारी के लिहाज से हम इस पर भी चर्चा करने समझेंगे। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो एक राज्य में एक से अधिक फोरम स्थापित कर सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उपभोक्ताओं का दायरा क्या है, उनका नेचर क्या है, वहाँ पर कितने मामले आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सही है। जिला फोरम एक इकाई के रूप में महिला होनी चाहिए, वही उपभोक्ताओं और घरेलू सामानों के स्वरूप को समझ सकती है, इसलिए महिलाओं का होना जरूरी है। जिला उपभोक्ता उन्हीं शिकायतों जिनमें माल की कीमत 50 रुपये से अधिक ना हो, नहीं, इसमें 20 लाख का जो है दायरा बनाया गया है, अर्थात वाक्य संख्या इसमें सी जो है गलत है और जो गलत है वही इसका सही उत्तर होगा। उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के समूह बेचे हुए माल दी गई जो शिकायतों के संदर्भ में शिकायतें दर्ज कर सकती है, डेफिनेटली ये सही है। IS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर एक लिमिट बनाई गई है जिला उपभोक्ता फोरम के लिए 20 लाख, स्टेट कमीशन के लिए 1 करोड़ और 1 करोड़ के ऊपर के लिए नेशनल कमीशन की जो बात कही गई है, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन व्याख्या के साथ स्पष्ट होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नगर क्षेत्र में निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? नगर क्षेत्र की परिभाषा है, नगर निगम छावनी बोर्ड ये डेफिनेटली होता ही है, इसमें 5000 कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए नगर क्षेत्र के लिए, 60 नहीं, यहाँ पे 75% जो जनसंख्या आकर्षक क्षेत्रों में लगी हो और कम से कम जनसंख्या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो, तो यहाँ पर सी विकल्प जो सही होगा, क्योंकि जो नहीं है जो गलत है वही नहीं के सापेक्ष सही उत्तर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। ये तो अधिसूचित करने के लिए जो राज्यपाल के लिए इसमें जो है अधिकार जो है उसे दिया गया है कि राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल ही जो है सक्षम होता है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित है, उपनगरीय क्षेत्र के विकास का प्रारूप प्रस्तुत करती है, योजनाओं को लागू ये नहीं है, लागू करने का नहीं, वो प्रस्तुत करती है, रिकमेंडेशन देती है, तो इसमें एक और दो यानी कि विकल्प ए सही है। IAS 2011 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से है। तो अपने प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से इसका जो माना जाता है, और पिछले जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पंचायत हैं उसका कार्यकाल जो है बेसिकली 25 दिसंबर ही था, लेकिन फिर भी अब इसका कार्यकाल अगले बैठक से निर्धारित किया जाएगा। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। राज्य विधानमंडल भी द्वारा पंचायतों के उपबंध कर सकेगा सही है, ग्राम सभा स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा सही है, प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा ये गलत है, क्योंकि जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेंगे, ये भी सही इसी और अगला वाक्य ही इसी रूप में दिया है। तो दोनों वाक्य का अगर विश्लेषण किया जाए तो स्वतः उत्तर अपने आप निकल करके सामने आता है और इसका जो उत्तर है बी सही होगा। अगला, पंचायत समिति के सदस्य जो है, पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसमें कोई भी बात नहीं है। पंचायत निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत के राज्यपाल के मतलब राज्यों के राज्यपाल के द्वारा होता है, क्योंकि इनका काम स्थानीय स्तर पर पंचायतों का चुनाव करना होता है। पंचायती राज प्रणाली गठित होती है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समितियां खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर जो है गठित होती हैं। PCS मेंस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। और अगला है, जिला पंचायत के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के द्वारा यदि उनके लिए स्थान सुरक्षित हो, स्थान सुरक्षित हो तो अध्यक्ष तो उनका चुना जाएगा लेकिन वोट सभी देते हैं, अर्थात ये भी वाक्य गलत हो जाता है। जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही उनके लिए आसन नहीं, ये भी है, सभी लोग देते हैं भले ही पिछड़े के लिए जो चुना गया हो। तो यहाँ पर केवल दो वाक्य सही है, अर्थात विकल्प बी इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो विशिष्ट व्यवस्था है कि वो किसी भी परिवार के लिए है, सभी कल्याणकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार के लिए जो उनके कल्याण के लिए परिवार लाभ योजनाएं चलाई जाती है, सामान्यतः उनके गरीबी रेखा के नीचे की बात की जाती है, लेकिन मनरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की बात सभी सदस्यों को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास का पहल सबसे स्थापित पहले कार्यक्रम था। अभी हमने ऊपर में चर्चा करते हुए देखा था कि ये 53 में गठित किया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये क्वेश्चन लोअर PCS में 13 में पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर जो है ए होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के संदर्भ में जो कि स्थानीय सुशासन से संबंधित है, अब तक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्यों की जो है प्रांतीय लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए सवालों को इसमें कवर करने का प्रयास किया। इसके पूर्व में स्थानीय सुशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका के संदर्भ में दो वीडियो लेक्चर पाठ्यक्रम आधारित अपलोड किए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखें और उसके माध्यम से आपके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, एक अवधारणा आएगी जिससे आपको साक्षात्कार, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को हल करने में जो है कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सवालों को हल करने में पूरी तरीके से मदद करेगा। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है लोक सेवा आयोग का जहाँ पंचायतों से क्वेश्चन पूछा ना जाए, तो डेफिनेटली इस पूरे की पूरे जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और आगामी अन्य विषयों की भी जो आप तैयारी करते रहिए। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।